नूरपुर के आर्य डिग्री कॉलेज के कमरों में लोकसभा चुनाव के समय ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एनएसयूआई के प्रधान दीपक मेहरा की अध्यक्षता में एनएसयूआई के विद्यार्थियों ने नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। नूरपुर के आर्य डिग्री कॉलेज के कमरों में लोकसभा चुनाव के समय से ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एनएसयूआई के प्रधान दीपक मेहरा की अध्यक्षता में एनएसयूआई के विद्यार्थियों ने नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। दीपक मेहरा ने बताया कि चुनाव हुए लगभग 2 महीने का समय हो गया है, लेकिन ईवीएम मशीनें कॉलेज के कमरों में ही पड़ी हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार से अपील की जाती है कि इन ईवीएम मशीनों को कॉलेज के कमरों से हटाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। दीपक मेहरा, एनएसयूआई से। हमारे कॉलेज में, जो कि पहले आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर से हूँ, जो कि हमारे कॉलेज में जो ईवीएम मशीनें हैं अभी तक हटाई नहीं गई हैं। 2 महीने हो गए हैं, सारी इलेक्शन हुए 2 महीने हो गया, अब तक कोई भी ईवीएम मशीनें नहीं हटाई गई हैं। हमारी क्लासेस में दिक्कत आ रही है, क्लासेस में 2-4-5 कमरे हैं जिसमें क्लासेस लग रही हैं, बाकी 2-4 कमरे ऐसे हैं जहां पर ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो मशीनें हटाई जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और बस यही मस्त एनएसयूआई कमेटी की तरफ से हम लोग बस अपना देने आए हैं यहाँ पे तहसीलदार जी को ये प्रस्थापन। हमारी बस यही विनती है कि जल्द से जल्द जो है ईवीएम मशीनें हटाई जाए कॉलेज से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इसके लिए हमने पहले प्रधानाचार्य जी को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करते हुए आज हम तहसीलदार जी के पास आए हैं। हमारा बस हम यही चाहते हैं कि इन ईवीएम मशीनों का जल्द से जल्द समाधान हो, ताकि सभी छात्र जो है प्रॉपर अपनी क्लासेस लगा सके और आगे की पढ़ाई जो है वो जारी रख सके। बस नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने बताया कि कॉलेज के एनएसयूआई विद्यार्थियों द्वारा ईवीएम मशीनों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कॉलेज में लोकसभा चुनाव के समय जो ईवीएम मशीनें रखी गई थी उसके बारे में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन उपमंडलाधिकारी को भेज दिया गया है और अंतिम निर्णय चुनाव आयोग लेगा।